और रेजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे सामने आ रहे हैं। 7 माह के अरसे में दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि कबायली इलाकों में जहां सबसे ज्यादा फोकस करना था, विफाक हुकूमत ने फंड्स ही रोक दिए। हुक्मरान नेहरू की तरह बासुरी बजा रहे हैं और तबाहाल मईशत और गवर्नेंस इस मुल्क में नई तबाही ला रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।